हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्सशाला में। गाइज, काफ़ी लोगों का सवाल था कि क्या चश्मा लगा करके, स्पेक्स लगा करके, ग्लासेस लगा करके क्रिकेट खेलना सही है, लीगल है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ में एक ऐसा इंसिडेंट जो कि मेरे साथ हुआ था और मैं बच गया था, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और स्पोर्ट्सशाला की एक और वीडियो का मजा लीजिए। गाइस, शुरुआत करते हैं मेन क्वेश्चन के साथ में कि क्या चश्मा लगा सकते हैं क्रिकेट खेलने के दौरान। तो इस सवाल का जवाब है बिल्कुल लगा सकते हैं। आप फ्री हैं, जैसा भी चश्मा आप लगाना चाहते हैं। चश्मे दो तरीके के होते हैं मेनली। एक होता है पावर वाला चश्मा, जिसके विजन में जो है थोड़ी प्रॉब्लम होती है और चश्मा लगा करके उसको करेक्ट किया जाता है। और दूसरा होता है सनग्लासेस, जो कि ज़्यादातर प्लेयर्स यूज़ करते हैं धूप के दौरान, जब जो सूरज है उसकी रोशनी काफ़ी तेज़ होती है, तो सनग्लासेस लगा करके उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की जाती है। और साथ ही साथ में जो चश्मा होता है वो आपको ग्राउंड की डस्ट यानी कि धूल वगैरह से भी प्रोटेक्ट कर सकता है और हो सकता है कोई बॉल वगैरह से भी आपको प्रोटेक्ट कर ले। लेकिन चश्मा लगाने से कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। गाइज, अगर बात करें पावर वाले चश्मे की, यानी कि जिस चश्मे के लेंसेज के अंदर पावर होता है, जो कि वास्तव में लगाया जाता है विजन को करेक्ट करने के लिए, उसके एग्जांपल की बात करें तो एक क्लासिकल एग्जांपल है डेनियल विटोरी, जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन थे पहले और ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे। चश्मा लगाने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया है और वन ऑफ दी बेस्ट ऑफ स्पिनर जो है उनको माना जाता है, और ज़्यादातर बॉलिंग के दौरान वो जो है चश्मा लगाते ही थे। दोस्तों, चश्मा लगाने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि क्रिकेट जो है वो एक देखिए भागने दौड़ने का गेम है, तो हो सकता है कि भागने दौड़ने के दौरान जो चश्मा है ना वो निकल के गिर जाए, और निकल के गिर जाने के बाद में आप समझ सकते हैं कि अगर पावर वाला चश्मा है तो दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात ये है कि अगर बॉल वगैरह सीधी लग जाती है ना हमारे चश्मे के ऊपर, तो चश्मा टूट सकता है, इंजर कर सकता है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ में भी हुआ था। दोस्तों, एक ऑप्शन ये भी आता है कि क्यों ना कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं। तो भाई, कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल यूज़ किए जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस होता है कि चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटा सा लेंस होता है, आँखों में लग जाता है अंदर। लेकिन यार, उसके साथ में भी कुछ प्रॉब्लम आती है कि वही बात है, क्रिकेट एक रफ़ एंड टफ़ गेम है, मतलब काफ़ी भागना दौड़ना पड़ता है, तो जो लेंस होता है काफ़ी नाजुक होता है, बहुत ध्यान से उसको रखना पड़ता है, और साथ ही साथ में बहुत सारा पसीना वगैरह भी आता है, आँखों में भी जाता रहता है, तो उसमें जो है कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। हालांकि जिसको जैसा सूट करता है वो उस तरीके से अपना लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जो सनग्लासेस होते हैं उनकी, तो बहुत वाइड रेंज जो है अवेलेबल है, किस शेड में चाहिए, कितना ज़्यादा डार्क होना चाहिए आपका जिससे कि जो धूप है वो आपको कम लगे, वो जो है अपने हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है और काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत देर तक हम ग्राउंड के अंदर देखते रहते हैं ना, तो कई बार होता है कि आँखों में अजीब सा लगने लगता है। दोस्तों, एक बात मैंने आपको शुरू में भी बोली थी कि मेरे साथ में कुछ ऐसा ही हुआ था। तो भाई, मैं था ऑलमोस्ट 9th क्लास के आसपास की बात है, आज से लगभग 6-7 साल पहले की बात है। मैं खेल रहा था क्रिकेट और हम खेल रहे थे एक रबर वाली बॉल से, बॉल जो है वो आंखें लगी मेरे चश्मे के ऊपर और जो चश्मा है वो टूट गया, चश्मे का जो लेंस है ना वो टूट गया। लेकिन किस्मत सही रही कि वो जो लेंस है वो आँख के अंदर नहीं गया, तुरंत आँखें जो है बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी जो है अब किस तरीके से हुआ लेकिन बचाव हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि एक रबर की बॉल जो शायद स्टम्पर की थी, तो वो बॉल जब इतना डैमेज कर सकती है, चश्मे को तोड़ करके लेंस को तोड़ सकती है, तो लेदर की बॉल तो आप समझ सकते हैं उसके सामने चश्मा क्या ही चीज़ हो सकती है। एक चीज़ यहाँ पर आप और कर सकते हैं कि, और ये तो आप प्लीज़ ध्यान ही रखिएगा कि अगर आप चश्मा यूज़ करते हैं तो प्लीज़ ग्लासेस के लेंस का यूज़ मत कीजिएगा। जो फाइबर के ग्लासेस होते हैं, जो प्लास्टिक के लेंस होते हैं एक तरीके से, अगर आप पावर का चश्मा इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ वही यूज़ कीजिएगा। क्योंकि कांच का जो लेंस होता है, पहली बात तो बॉल लगेगी तो वो तो 100% टूटेगा, और दूसरी बात है कि वो टूट गया तो उसके बहुत शार्प एजेस बनते हैं, तो वो जो है दिक्कत कर सकते हैं आँखों के अंदर, और हल्का फुल्का भले आँख बंद कर ली फिर भी लग सकता है, और आँख में लग गया तो आप समझ सकते हैं। फाइबर का जो है उसमें कंपैरेटिवली सेफ है, उतना शार्प एज नहीं बनता, और साथ ही साथ में अगर चश्मा गिर जाता है ना खेलने के दौरान, तो फाइबर का चश्मे को कुछ नहीं होता क्योंकि बहुत हल्का होता है और मजबूत भी होता है। कांच का लेंस है, काफ़ी चांसेस होते हैं कि चश्मा टूट जाएगा, तो बेहतर रहेगा एक फाइबर के चश्मे के साथ खेलिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उस केस में जो है बचाव हो गया, जैसे भी हुआ। तो गाइज, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई और भी चीज़ है जिसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।